वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो आज की वीडियो का अगला प्रश्न है 81। तस्कीरा ए शुअराई हिंदी किसके द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ है? तो यहाँ पर जो उत्तर होगा इसका, तो ये होगा मौलवी करीमुद्दीन। अगला प्रश्न है 82। चर्यापद के रचयिता का नाम बताइए। तो जो चर्यापद है ये शब्रपा के द्वारा लिखा गया है, और जो शब्रपा है इनका संबंध है सिद्ध साहित्य या सिद्ध संप्रदाय से। इसके पश्चात कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो सरहप्पा है इनके द्वारा क्या लिखा गया है? तो सरहप्पा के द्वारा लिखा गया है दोहा कोश। और कई बार ये भी प्रश्न बनता है कि जो सिद्ध है इनकी कितनी संख्या है? तो सिद्धों की संख्या मानी जाती है 84। इसी प्रकार से कई बार ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि जो नाथों की संख्या कितनी है? तो नाथों की संख्या मानी जाती है 9। अगला प्रश्न है 83। आदिकाल के अंतिम चरण के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि कौन रहे हैं? तो आदिकाल के अंतिम चरण के सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि रहे हैं अमीर खुसरो। जो अमीर खुसरो है इनका जन्म हुआ था एटा में, ठीक है। इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण तथ्य बनता है, इन्हें तोता ए हिंद भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न तोता ए हिंद का ही है। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है हिंद का तोता या तोता ए हिंद। आगे है 85। बसंत विलास में चित्रण हुआ है, तो बताना है बसंत विलास में किसका चित्रण हुआ है? बसंत और स्त्रियों पर उनके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण बसंत विलास नामक काव्य कृति में हुआ है। अगला प्रश्न है 86। बसंत विलास कैसा काव्य है? तो बसंत विलास एक फागु काव्य है। अगला प्रश्न है 87। रोड़ाकृत रावलबेली में किसका आरंभ माना जाता है? प्रश्न क्या है? रोड़ाकृत रावलबेली या रावलबेल से किसका आरंभ माना जाता है? तो इससे माना जाता है नक्षिक बंडन की श्रृंगार परंपरा का आरंभ। एक प्रकार से आप इसे श्रृंगारिक रचना कह सकते हो जिसमें नक्षिक का संपूर्ण वर्णन किया गया है। इसके पश्चात जो सीधा सा प्रश्न यहाँ पर बनता है कि जो रावलबेल या रावलबेली किसकी रचना है? तो ये रोड़ा कवि की रचना मानी जाएगी। अगला प्रश्न है 88। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति रोड़ाकृत रावलबेली है। तो ये प्रश्न सीधा से बनता है कि जो ये रावलबेली है किस प्रकार की रचना है? ये चंपू काव्य है, चंपू रचना है जिसमें गद्य पद्य मिश्रित होते हैं। आगे है 89। रावलबेली में कौन सी बोली प्रधान है? तो जो रावलबेली है इसमें आपकी 7 बोलियों को महत्व दिया गया है। जो 7 बोलियों के शब्द हैं इसमें प्रमुखता मिलती है, पर जो सबसे प्रधान बोली है वो है राजस्थानी, ठीक है। तो कई बार एनटी नेट की परीक्षा में इसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा ऐसा काव्य ग्रंथ है जिसमें 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं? तो वो होगा आपका रावलबेल। अगला प्रश्न है 90। विद्यापति की लोक प्रसिद्ध होने का क्या आधार है? तो जो विद्यापति थे वो किस रचना के कारण लोक प्रसिद्ध हुए थे? तो वो हुए थे अपनी पदावली के कारण। वैसे तो इन्होंने बहुत सी रचनाएं लिखी हैं, कीर्तिलता, कीर्तिपताका, पर जो पदावली है इसके कारण इन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। और कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो पदावली है इसकी भाषा क्या है? तो ये मैथिली भाषा होगी इसकी। देखिए आगे प्रश्न है, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? तो ये मैथिली है। अगला प्रश्न है, विद्यापति ने अपनी कृति कीर्तिलता को क्या कहा है? तो ये प्रश्न भी अधिकतर पूछा जाता है। तो विद्यापति ने अपनी कृति कीर्तिलता को कहा है कहानी। अगला प्रश्न है 93। विद्यापति मूलतः कैसे कवि हैं? तो जो विद्यापति थे मूलतः श्रृंगारी कवि थे, और ये शिव भगवान को मानने वाले कवि थे। अगला प्रश्न है 94। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है अमीर खुसरो को। अगर आधुनिक समय में स्वच्छंदतावाद का प्रथम कवि माना जाए तो प्रश्न बनता है किसे माना गया है? तो ये माना गया है आपके श्रीधर पाठक को। इसका भी आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 95। हिंदी साहित्य में पहेलियों और मुकरियों को प्रचलित करने का श्रेय किसे जाता है? तो हिंदी साहित्य में पहेलियों और मुकरियों को प्रचलित करने का श्रेय जाता है अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न है 96। ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना करने का आरंभ किसने किया था? तो सबसे पहले ब्रज और अवधि को मिलाकर काव्य रचना की थी अमीर खुसरो के द्वारा।
अगला प्रश्न है 97, इसमें पूछा गया है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में अवधि का प्रथम कवि अमीर खुसरो को किसने माना है। तो ये सरल सा प्रश्न है, तो इसे माना है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो यहाँ पर देखिए आपको कई प्रश्न बनते हैं सीधे सीधे। तो पहला तो प्रश्न ये होगा कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है, तो ये लिखा है डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। इसके पश्चात यहाँ पर ये प्रश्न भी बनेगा कि जो अवधि का प्रथम कवि अमीर खुसरो को किसने माना है, तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। इसके पश्चात जो प्रश्न बनेगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ को कहाँ तक लिखा है, तो ये लिखा है भक्ति काल तक। इसका भी ध्यान रखना है, ये भी प्रश्न बनता है। अगला प्रश्न है 98, अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक नूह सिपहार में किसके बारे में वर्णन किया है, तो वर्णन किया है भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से। ठीक है, पूछा जाता है कि जो नूह सिपहार किसकी रचना है, अमीर खुसरो की रचना है, इसमें भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई है। अगला प्रश्न है 99, अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ माना जाता है, तो ये माना जाता है जोइंदुकृत परमात्म प्रकाश तथा योगसार से। किससे? जोइंदुकृत परमात्म प्रकाश और योगसार से अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ माना जाता है। यहाँ से देखिए दो प्रश्न और बनेंगे, परमात्म प्रकाश किसकी रचना है, तो ये जोइंदु की रचना हो जाएगी। योगसार किसकी रचना है, तो ये जोइंदु की रचना हो जाएगी। ये भी प्रश्न बनता है कि जो अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ परमात्म प्रकाश और योगसार से हुआ है। अगला प्रश्न है 100, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ढोला मारू रा दोहा के दोहों को किसके बीच की कड़ी माना है, तो ये माना है हेमचंद्र तथा बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी। एक बार प्रश्न को फिर से देखेंगे,